तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों बताया जाएगा कि पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 4x6 का पेपर हो या फिर A4 का पेपर हो, आप लोग कैसे जो सो फोटो का साइज लेंगे और कैसे दोस्तों आप लोग पासपोर्ट साइज को फोटो को क्रॉप करके और अलग अलग सेट करके दोस्तों एक ही साथ में आप लोग कैसे प्रिंट आउट निकालेंगे, सारा कुछ दोस्तों आप लोग को इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक फुल साइज का फोटो है, तो इसी का दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह से इतना फोटो को क्रॉप करेंगे हम लोग और यहाँ से पासपोर्ट साइज का फोटो बनाएंगे। तो दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए आप लोग के पीसी या लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि दोस्तों है जिसका नाम एडोब फोटोशॉप 7.0। और यहाँ पे दोस्तों हम एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं और एडोब फोटोशॉप दोस्तों हमारा 7.0 वर्जन है, जो कि दोस्तों अगर आप लोग यह डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फाइल है कोने में, फाइल में दोस्तों क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर पे है ओपन, तो दोस्तों यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक कर देंगे। और ओपन पे क्लिक करने के बाद हम उसी फोटो को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जिसको दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों यह हमारा फोटो है, इसी को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारा फोटो जो है सो कुछ इस तरह से दोस्तों ओपन हो चुका है। अब हम इसको जो है सो थोड़ा बड़ा करने के लिए हम इस बॉक्स पे जो है सो क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा कि इसको पासपोर्ट साइज फोटो के आकार में क्रॉप करना। उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ से देख लीजिए इस वाले टूल में ऑप्शन में जाना है। दोस्तों अगर आपके फोटोशॉप में या टूल का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो आप लोग विंडोज में जाइएगा और यहाँ पे ये टूल जो है सो आप लोग का अनटिक रहेगा, तो इसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम जो है सो क्रॉप टूल का यूज करेंगे इस फोटो को क्रॉप करने के लिए। और यहाँ पे देख लीजिए विथ में आपको 3 सेंटीमीटर रखना है, हाइट में आप लोग को 3.8 सेंटीमीटर रखना है और रेजुलेशन में आप लोग को 300 रखना है। दोस्तों हम यहाँ से दोस्तों कुछ इस तरह से जो है सो इस फोटो को जो है सो क्रॉप कर देंगे। और फोटो को क्रॉप करने के बाद हम यहाँ से दोस्तों इसको एडजस्ट करके और बैठा देंगे बिल्कुल बीचों बीच में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फोटो जो है बीचों बीच में बैठ चुका है। अब हम यहाँ से इंटर पे क्लिक कर देंगे और इंटर पे क्लिक करने के बाद हमारा यह फोटो जो है दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो में क्रॉप हो गया है। अब यहाँ से दोस्तों हम कंट्रोल के साथ L दबाएंगे और L दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पे लेवल आ जाएगा। तो लेवल आप लोग को देख लीजिएगा, आप अपने फोटो के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे दोस्तों आप लोग को अच्छा लगे वहाँ पे आप लोग इसको रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से ओके कर देंगे और ओके करने के बाद हम इस फोटो का बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए पेन टूल को लेंगे और पेन टूल को लेने के बाद हम यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हम देख लीजिए यहाँ से शुरुआत करेंगे क्रॉप करने का। और आप लोग का ध्यान रहे आप लोग का जो ये वाला ऑप्शन में रहना चाहिए, ये वाला ऑप्शन में दोस्तों रहेगा तो ये आपका फोटो जो है सो क्रॉप होगा। तो हम यहाँ से दोस्तों इस तरह से शुरू करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन दोस्तों हम दबाते जाएंगे और यहाँ से इस फोटो में कुछ इस तरह से जो है सो सिलेक्शन देते जाएंगे। ये दोस्तों करना बिल्कुल भी आसान है, तो आप लोग इस तरीके से आराम से दोस्तों किसी भी फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग को ध्यान दीजिएगा कि आप लोग के पास जो भी फोटो आए उसका दोस्तों बैकग्राउंड पीछे एक कलर होना चाहिए। तो दोस्तों उसका बैकग्राउंड बिल्कुल इजीली टूल से रिमूव हो जाता है और दोस्तों बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं लगता है देखने में। तो यहाँ पे हम सभी को जो है सो बिल्कुल यहाँ से इस तरह से क्रॉप करेंगे, बिंदु बिंदु बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका कान कट गया है, तो कान कट गया है तो हम कंट्रोल के साथ जेड दबाएंगे तो ये वापस जो है सो अंडू हो जाएगा। फिर दोस्तों हम यहाँ से कंट्रोल के साथ जेड दबाएंगे और कंट्रोल के साथ ऑल्ट जेड दबाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ से हम कुछ इस तरह से लेके आएंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लास्ट फोटो में ले जाके जो है सो मिला देंगे। तो यहाँ पे हम जो है सो लास्ट फोटो में जाके इसको इस तरह से कुछ मिला देंगे और मिलाने के बाद दोस्तों हम यहाँ से कंट्रोल के साथ इंटर को प्रेस कर देंगे। और कंट्रोल के साथ इंटर को प्रेस करने के बाद हमारा यह फोटो जो है सो सिलेक्शन हो जाएगा चारों साइड में। अभी हम आराम से इसका बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहाँ पे हमारा पहले से इस कलर का जो है सो बैकग्राउंड सेलेक्ट किया गया है, हम अभी इसको ओके कर देते हैं। और जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा फोटो का दोस्तों बैकग्राउंड चेंज हो चुका है।
लेकिन दोस्तों अभी भी यहाँ पे हमारा सिलेक्शन है, तो इस सिलेक्शन को हटाने के लिए हम कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे, तो हमारा दोस्तों सिलेक्शन जो है सो बिल्कुल हट जाएगा। तो आप लोग दोस्तों देखिए, फोटो बड़ा करने पे इस तरह आ रहा है और छोटा करने पे दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके में आ जा रहा है। अभी दोस्तों इस फोटो को हम थोड़ा सा लाइट वगैरह बढ़ाएंगे और इसका सेचुरेशन को बढ़ाएंगे ताकि हमारा फोटो जो सो और भी खूबसूरत लगेगा देखने में। तो सबसे पहले हम जो सो कंट्रोल के साथ एल दबाएंगे, उसके बाद कहीं से दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा जो सो सेचुरेशन वगैरह बढ़ा लेते हैं, उसके बाद ओके कर देंगे, फिर हम कंट्रोल के साथ एम दबाएंगे और दोस्तों इसका जो सो लाइट को हम थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा लेंगे। ज़्यादा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है क्योंकि दोस्तों इस फोटो में पहले से बिल्कुल अच्छे से लाइट जो है। अभी देखिए दोस्तों ये हमारा फोटो जो है सो बिल्कुल अच्छे से क्रॉप हो चुका है। अब हमको दोस्तों नया पेज लेना है, नया पेज लेने के लिए हम कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे और यहाँ पे हम जो सो पेपर का साइज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग 4x6 भी सेलेक्ट कर सकते हैं और दोस्तों A4 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम 4x6 को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों हम माउस से इस कर्सर को इधर से लेके यहाँ पे चला देंगे ताकि हमारा ये वाला पेज इधर आ जाए। और यहाँ पे दोस्तों इस फोटो को जो सो हमको इस फोटो में लाना है, यानी कि इस पेज में लाना है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड को डबल क्लिक करके और इस लॉक को दोस्तों हटा देंगे। और लॉक को हटाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम इस फोटो को यहाँ पे लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग का इस लेयर का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो आप लोग विंडोज में जाइएगा और यहाँ पे लेयर में जो सो क्लिक कर दीजिएगा। और तो लेयर में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग का ये लेयर का ऑप्शन भी आ जाएगा। अभी हम दोस्तों इस फोटो को यहाँ पे लेके आएंगे, तो इसके लिए दोस्तों माउस का जो है सो लेफ्ट बटन को पकड़ के रखना है और यहाँ पे दोस्तों लाके इधर कुछ ड्रैग कर देना है इस तरह से। उसके बाद दोस्तों इस फोटो को यहाँ से बड़ा कर लेना है, यानी कि इस पेज को यहाँ से बड़ा कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फोटो देख सकते हैं, अभी हमारा बिल्कुल सिंपल लग रहा है देखने में, लेकिन दोस्तों इसके पूरा जो है सो मतलब चारों साइड में हम बॉर्डर डालेंगे। तो यहाँ पे हम एडिट में दोस्तों क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कलर को जो है ब्लैक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। 3 पिक्सल दोस्तों डाल देते हैं। 3 डालने के बाद दोस्तों हम यहाँ से ओके कर दिए, तो देखिए ये हमारा फोटो में बॉर्डर जो है सो लग चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए फोटो को यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट करेंगे। दोस्तों ये 4x6 का पेपर है, तो 4x6 का पेपर में आप लोग इसी तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद ऑल्ट के साथ दोस्तों शिफ्ट दबाना है और इस फोटो को यहाँ से ड्रैग करना है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है, फिर दोस्तों वही काम करना है, ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाना है और इस तरह से फोटो को यहाँ पे लेके आना है। अभी दोस्तों हम इसको बीचों बीच में करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले वाला फर्स्ट वाले फोटो में हम इधर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों देखिए जो फोटो आप लोग का क्लिक नहीं हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट लेयर के में टिक कर दीजिएगा, तो एक क्लिक होना चालू हो जाएगा। फिर देखिए आप लोग जो भी फोटो में क्लिक करेंगे वही फोटो आपका सिर्फ सेलेक्ट होगा, बाकी दूसरा कोई भी फोटो सेलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा तीनों फोटो जो है सो ऊपर में आ गया है। अब 3 फोटो को और नीचे लेके आना है, तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ से इस वाले टूल में जाएंगे। इस टूल का नाम दोस्तों देखिए रेक्टेंगल टूल है, तो हम इस टूल में जाएंगे और यहाँ से सभी को इस तरह से कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ से सी दबाएंगे, उसके बाद दोस्तों कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे। तो भी दबाने के बाद दोस्तों ये हमारा कॉपी और पेस्ट दोनों चीज़ हो चुका है। कंट्रोल सी से दोस्तों हमारा कॉपी हुआ और कंट्रोल वी से पेस्ट हुआ। उसके बाद दोस्तों शिफ्ट को दबाएंगे और इसको ड्रैग करके हम नीचे की ओर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारा ये 4x6 का पेपर में बिल्कुल अच्छे से हमारा फोटो जो है अच्छे से मतलब आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 फोटो और आएगा, तो ऑल्ट के साथ हम शिफ्ट दबाएंगे और इसको नीचे खींच के कुछ इस तरह से हम लेके आ जाएंगे। आई होप दोस्तों यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे कि कैसे जो है सो फोटो को 4x6 वाले पेपर में सेट करना है। उसके बाद दोस्तों इसको प्रिंट करने का जो ऑप्शन है, प्रिंट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ पी दबाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग प्रिंटर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका प्रिंटर सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप प्रॉपर्टीज में जाके और कलर में सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो बना रहे हैं तो उसको हाई क्वालिटी में थोड़ा प्रिंट करने के लिए हाई कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करना, जस्ट ओके पे करना है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो बन के तैयार हो जाएगा, यानी कि निकल के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।